थर्ड वीडियो रिगार्डिंग बी आर सी माई चैनल। सबसे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बी आर सी ऑनलाइन एग्जाम जो होता है उसके लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। मैंने उसमें बताया था 2018 में, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि पर्टिकुलरली हर चैप्टर से कितने मतलब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये दी थी कि अगर आप नेट और गेट के लिए पहले पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो और आपको साथ में बी आर सी का एग्जाम देना, तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि आप नेट और गेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो बहुत बेसिक लेवल है। ठीक है, उसमें 12th और बीएससी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, आपसे नेट और गेट नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना 12 इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, तो वो वाली वीडियो काफी लेंदी चली गई थी, 40 मिनट्स के अराउंड मैंने बनाई थी, क्योंकि उसमें क्या था, मेरा इंटरव्यू था तो मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे और साथ में मैंने आंसर्स भी आपको बताया कि मैंने क्या बोला, उनका रिस्पांस किस तरह का था, करेक्ट उसका आंसर क्या था। ठीक है, आपने मुझे कईयों ने मुझे बोला कि मैम एक और वीडियो बना दो अगर पॉसिबल है इस वाले बार इंटरव्यू के रिलेटेड। तो मैंने क्या किया है, मैंने 2-3 फ्रेंड से मैंने कॉन्टेक्ट करने का ट्राई किया और उनसे पूछा कि उनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले उन्होंने टॉपिक्स क्या लिए थे उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो उससे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं मिस कर गई थी जब मैं आपको बता रही थी बाय इंटरव्यू अपना एक्सपीरियंस, तो वो ये था कि जैसे हमें जो ट्रेवल करेंगे हम जो टिकट्स मतलब जो जैसे सपोज करो एसी टायर 3, ठीक है, अगर हम वहां से ट्रेवल करें ट्रेन से तो क्या होता है जो ट्रेवल अलाउंस होता है वो आपको बैग मतलब मिल जाता है वापस। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे वहां पर इंटरव्यू से पहले जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे तो वो क्या करते हैं आपसे टिकट की एक कॉपी मांगते हैं, चाहे आप बाय एयर जाओ या बाय ट्रेन जैसे भी जाओ, तो वो क्या करते हैं टिकट की एक कॉपी अपने पास वहां पे सबमिट करते हैं, आपके बैंक डिटेल्स मतलब पासबुक का मतलब फ्रंट जो फर्स्ट पेज होता है उसकी मतलब क्या करते हैं वो एक फोटो कॉपी मांगते हैं वहां पर, फिर क्या होता है आपका जो अमाउंट होता है वो वापस आ जाता है आपके अकाउंट में। ठीक है, अब हुआ ये था लास्ट टाइम हमारे साथ क्योंकि हमें पता नहीं था कि किस तरह का प्रोसीजर है, तो हम लोग क्या कर रहे थे मतलब जैसे मई में इंटरव्यू हो गया था तो हम लोग जून जुलाई में आप उसमें फ्रेंड्स से बात कर रहे थे कि तुम्हारा अमाउंट आया गया, तो सब ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं आया, तो हमें लगा था शायद आएगा या नहीं ऐसा कुछ था, मतलब काफी डाउट चल रहे थे। बट हुआ ये कि मेरा अमाउंट जो था वो दिसंबर के स्टार्टिंग में आया था, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि जो अमाउंट आता है वो आ जाता है बट उसमें टाइम लगता है, नवंबर दिसंबर जनवरी भी आता है मतलब इतना लेट हो जाता है बट अमाउंट आ जाता है। ठीक है, तो ये एक बात थी जो मैं मिस कर गई थी वहां पे, बाकी मैंने आपको बताया कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उस वीडियो में सब कुछ कवर कर चुकी हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं, मतलब मेरी फ्रेंड थी उसने इंटरव्यू दिया था, तो उसका इंटरव्यू जैसे मैंने यहाँ पे एबीसी लिखे तो ये मेरी फर्स्ट मतलब जो फ्रेंड थी इसका इंटरव्यू जो हुआ था वो शाम को 4 बजे के अराउंड उसका इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 स्लॉट्स होते हैं तो उसका सेकंड हाफ में था। ठीक है, तो उसने क्या किया था, उसने ये वाले टॉपिक्स यहाँ पे लिखे थे, उसने टॉपिक्स लिखे थे स्टीरियोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, फोटोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक्स, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो क्योंकि ना इसका स्पेशलाइजेशन था ऑर्गेनिक। ठीक है, तो उसने क्या किया, देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 टॉपिक इसने क्या किया ऑर्गेनिक के लिए। मैं आपको बता दूं इसका इंटरव्यू कैसा रहा, सबसे पहली बात इसका इंटरव्यू चला था 50 मिनट्स। ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ था 4 PM। अब क्या था, उसने सबसे पहले लिखा स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो उसके पास पहला क्वेश्चन ये आया कि आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में क्या जानते हो। ठीक है, तो उसने मतलब उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हो स्टीरियोकेमिस्ट्री से, तो उसने बताया ना स्टार्ट किया कि सर उसमें मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं कि मतलब उसको अलग अलग डायरेक्शन से अगर हम देखते हैं तो किस तरह का मॉलिक्यूल दिखता है, स्पेस में एक्चुअली मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है, तो उन्होंने कहा और आगे बढ़ो आगे बताओ, तो उसने बताया कि सर ऑप्टिकल एक्टिविटीज में हम निकाल सकते हैं, आरएस नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि ऑप्टिकली एक्टिव जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी की आप बात कर रहे हो तो ऐसे किस किस मॉलिक्यूल में हम निकाल सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो उसने बताया कि सर साइक्लोफीन्स, एंसर कंपाउंड्स, इन सब में हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, इससे पहले मार्केटिंग टेक्निक यूज करती हूँ मैं यहाँ पर, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री की, मैंने जिसमें सारा सिलेबस कवर करवा दिया है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके मतलब मेरे चैनल पर देख सकते हो स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब बैक टू इंटरव्यू, क्या हुआ था यहाँ पर, मतलब उसने ऐसे बोलना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने कहा मतलब ऐसे पूछते गए सबके बारे में कि अच्छा यहाँ से आरएस निकाल सकते हैं, साइक्लोफेंस में किस तरह से आरएस निकलता है, इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे। उस वक्त उन्होंने कहा कि आपने सुना होगा स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, तो उसने बोला हाँ सर ये तो मतलब मैंने सुना है, तो उन्होंने कहा दोनों का एक एग्जाम्पल बता दो, तो वो सबसे पहले स्टीरियो स्पेसिफिक उसने बताना स्टार्ट किया कि सर इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, और स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या होता है 2 प्रोडक्ट बनते हैं जिनमें से एक मेजर होता है और एक माइनर होता है, बट स्टीरियो स्पेसिफिक में एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो उन्होंने कहा कोई एग्जाम्पल बताओ, तो उसने बोल दिया सर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, जितने भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होते हैं आर द एग्जांपल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। तो अब उन्होंने क्या किया, स्टीरियोकेमिस्ट्री को तो वहीं छोड़ दिया, अब उन्होंने क्या किया पेरिसाइक्लिक से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए। तो होता ये है कि जो आप बोलते जाओगे ना वो उन्हीं से फिर आगे आगे, क्योंकि वो कुछ बैठे नहीं एक्सेप्ट करके कि हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आप जाके उनको रिप्लाई कर रहे हो अगर आप बिल्कुल बेसिक पूछ रहे हो तो क्या करते हैं सबसे पहले बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके लेवल बढ़ाते बढ़ाते यहां से शुरू करते हैं
आप हो जाता है, मतलब कुछ देर तक आपको समझ आएगा बट लास्ट में ऐसा लगेगा ये क्या पूछ रहे हैं, ये तो हमने किसी बुक्स वुक्स में पढ़ा भी नहीं है, ऐसा हुआ था। अब क्या हुआ, पैरासाइकिल में पूछा कि पैरासाइकिल के बारे में बताओ आपको कितना आता है। उसने स्टार्ट किया कि सर इसमें हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लिक एडिशन, सिग्मा ट्रोपिक, ये सब रिएक्शन पढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होती है उसमें 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन जो होती है उसका एग्जाम्पल बताओ, उसका कोई एग्जाम्पल आता है आपको। तो उसको माइंड में आया कोप रीअरेंजमेंट, ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल लिख दो। अब उसने क्या किया, उसने ना ये वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर हीट करवाई और यहां से क्या बन गया, 1, 2, 3 ऐसे करवाया, और फिर उसने क्या किया, यहां से ये बोन बनाया ऐसे और ऐसे, ये आ गया उसका प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरह का उसका प्रोडक्ट आ गया। अब क्या हुआ, अब फंसाने की बारी आ गई। इन्होंने कहा जो ये वाला ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, ठीक है, हीटिंग आपने करी ये बन गया आपका, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि जो ये दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है क्या ये दोनों सेम है। तो उसने देखा कि उसने बोला कि नहीं सर सेम तो नहीं है, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, कहते क्या डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि है तो एक ही जैसे, दिखने में तो एक ही जैसे है। तो उसने बोला कि सर अगर मैं यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, सपोज मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं तो फिर ये डिफरेंट हो जाएंगे मतलब यहाँ पर CH3 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे वैसे बोल के उन्होंने कहा नहीं नहीं सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाना है, आप सब्स्टिट्यूएंट लगा के मत बताओ, आप वैसे ही बताओ अगर ये ऐसे है तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट है। तो उसने बोला फिर कि सर ये सेम है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही सेम है तो फिर रिएक्शन क्यों हुई, ठीक है, क्योंकि अगर रिएक्शन हो रही है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट बन होगा तभी तो रिएक्शन होगी। अब तुम बोल रहे हो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है दोनों सेम है तो रिएक्शन हुई ही क्यों है यहाँ पर, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स क्या है रिएक्शन का। तो उसने बोला कि सर मुझे नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये वाला टॉपिक छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट टॉपिक था केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स से क्या हुआ, उसने मुझे बोला कि यार ज्यादा क्वेश्चंस ना मुझे याद नहीं किस तरह से पूछे गए थे, बट उसने ये बोला कि यहाँ पे ना ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना वो फिजिकल केमिस्ट्री से होते हैं अगर आपने टॉपिक्स लिखे हैं तो। और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस कहां पर करते हैं, ग्राफ्स पे। वो आपको ग्राफ पर बनवाएंगे कोई भी आपसे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ये एरो ऐसे कैसे जा रहा है, ये अगर मतलब रिएक्टिंग कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो कैसे कर्व बनेगा, इस तरह से पूछते हैं। तो उसने मुझे बताया कि केमिकल काइनेटिक्स ना उन्होंने कुछ इक्विलिब्रियम का कोई रिएक्शन उससे दिया था और उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स बनवाए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं थे। उसके बाद फोटोकेमिस्ट्री, हाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ, उसका स्पेशलाइजेशन था ऑर्गेनिक, ठीक है। तो उसको लगा था कि वो उससे पूछेंगे ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं नोरिश टाइप 1, नोरिश टाइप 2, जो पार्टन रिएक्शन सब जो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में। बट क्या हुआ, उनको लगा कि फिजिकल का टॉपिक है, क्योंकि फिजिकल में तो करते हैं जो काइनेटिक्स वाला पोर्शन है फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो उनको लगा कि ये वाला टॉपिक है, तो उन्होंने क्या किया, उससे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने सबसे पहले बोला कि फ्लोरेसेंस जो होती है उसके लिए आप डिराइव कर सकते हो, सपोज उन्होंने बोला जो फ्लोरेसेंस होती है, जैसे सपोज यहाँ पर मतलब हमारी क्या होगी सिंगलेट स्टेट है, यहाँ पर S1 है, उन्होंने बोला कि यहाँ से सपोज यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ पर जा रहा है तो ये फ्लोरेसेंस हो रही है, तो उसके लिए डेरिवेशन जो होती है वो आप डिराइव कर सकते हो। तो उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि उसको लगता है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोप मतलब ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री से पूछेंगे, बट इस तरह का कुछ डेरिवेशन उससे पूछा तो उसको नहीं आता था वो वाला, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब इस तरह से और भी क्वेश्चन पूछे थे जिसको माइंड में भी नहीं थे, बट क्या था ऑर्गेनोमेटेलिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने कहा इसमें से तो क्या ही पूछे, तो ये वाला टॉपिक उसका ऐसे स्किप हो गया, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछने जैसा है नहीं इंटरव्यू में। उन्होंने ये बोला कि इसमें से तो क्या ही पूछे, फिर नेक्स्ट आ गया स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब क्या हुआ, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक से कि जो प्रोटॉन NMR होता है उसमें जो रेंज कहां तक, जो मतलब केमिकल शिफ्ट होती है उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है। उसने बताया कि सर 0.5 से लेके 12 तक रेंज आती है, और फिर उससे पूछा कि कार्बन 13 NMR जो होता है उसकी रेंज कहां तक होती है, तो उसने बताया कि सर 10 to 200 के अराउंड जाती है। तो फिर उन्होंने पूछा कि रेंज में इतना डिफरेंस क्यों है। अब ये था कि दोनों के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है वो दोनों के लिए सेम होता है, हम कार्बन 13 NMR में भी TMS यूज करते हैं और प्रोटॉन NMR में भी TMS यूज करते हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि एक की रेंज तो सिर्फ 10-12 पे रुक रही है और एक की 200 तक जा रही है, 200 ppm तक जा रही है, ठीक है, ऐसा कुछ पूछा था। उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर उसने एक्सप्लेन करना जैसे स्टार्ट किया, तो कहते ऐसे नहीं, पूरा प्रॉपर रीजन बताओ, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इन दोनों की, जो रेंज इसकी इतनी कम है इतनी ज्यादा इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ, ठीक है, ऐसा कुछ पूछा था। फिर उसके बाद उसने लिखा तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी था, हाँ, उसके बाद क्या हुआ IR पे शिफ्ट कर गए, ये वाला क्वेश्चन पूछने के बाद, जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो वहां से उन्होंने पूछा IR के बारे में आपको क्या पता है, तो उसने बोला कि सर हम देख सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो IR एक्टिव है, मतलब उसमें डाइपोल मोमेंट कुछ चेंज हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा था कि CO2 मॉलिक्यूल है,
इसके रिगार्डिंग उन्होंने हाँ जो मोर्स पोटेंशियल कर्व होता है वो बनवाया ऐसे ऐसे गलत बनाया मैंने थोड़ा मतलब काइंड ऑफ ऐसे ही होता है इस तरह कुछ कर्व होता है ठीक है यहाँ पे ये अपनी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन हो जाती है तो क्या था उन्होंने कहा कि जो ये वाला डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं ठीक है उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये वाला कर्व जो अगर मैं इसको सपोज इस तरह कुछ कर्व है तो उसका क्या मतलब होगा अगर ये वाला कर्व इस तरह से है तो उसका क्या मतलब होगा मतलब इसी कर्व को अलग अलग तरह से चेंज करके उन्होंने पूछा कि अगर ये डिफरेंट डिफरेंट कर्व अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे मतलब इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो तो इस तरह का इंटरव्यू रहा उसका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से ठीक है तो उसका इंटरव्यू जो था वो 50 मिनट चला था ठीक है इस तरह से उसका खत्म हुआ उसका मैं आपको बताती हूँ जो नेक्स्ट था मैं मेरी फ्रेंड से बात करी उसने बताया कि इस तरह का था अब क्या हुआ कि जो मेरा फ्रेंड था मैंने आपको बताया था कि 21 मई से 29 मई में ये डेट थी केमिस्ट्री के इंटरव्यू जब होने थे ठीक है अब क्या हम लोग बीयू के थे तो हमारे एग्जाम्स जो थे वो अराउंड 15 में खत्म हुए थे फाइनल सेमेस्टर के जो एग्जाम्स थे ठीक है अब क्या हुआ इसकी इंटरव्यू की डेट 21 में तो उसको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला था तो इसने क्या किया जो टॉपिक है डिस्कनेक्शन अप्रोच ये हमारे फाइनल सेमेस्टर में ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन का ये टॉपिक था मतलब एक चैप्टर पूरा पेपर था इसके ऊपर तो उसने क्या किया ये लिखा तो इसके साथ क्या हुआ इन्होंने इसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा ऑर्गेनिक का टॉपिक है तो इसका मतलब इंटरव्यू स्पेसिस लेने के लिए कुछ है नहीं तो उन्होंने क्या किया ये वाला टॉपिक पूरा कैंसिल कर दिया ठीक है सबसे पहले स्टार्ट किया एनएमआर से तो एनएमआर में क्या पूछा सबसे पहले उसको बोला कि हाँ अब ना मैं आपको एक बात और बता दूं मैंने आपको पहले भी बताया है कि वहां पर सिर्फ एक ही रूम नहीं होता जहां पर इंटरव्यू होता है वहां पर केमिस्ट्री के लिए तीन डिफरेंट कमेटीज थी मतलब तीन डिफरेंट रूम थे जहां पर इंटरव्यू हो रहे हैं और हर रूम में जो बंदे बैठे हैं वो अलग अलग बैठे हुए हैं ठीक है तो क्या होता है जरूरी नहीं है कि अगर एक तरह से मतलब एक कमेटी से आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिला है तो नेक्स्ट से भी ऐसा ही मिलेगा जैसे क्या हुआ था मेरे साथ जो मतलब था जब मैं अपना इंटरव्यू दे रही थी तो ऑर्गेनिक से मुझसे कुछ नहीं पूछा था जो मैंने ऑर्गेनिक में लिखा था नेम रिएक्शन मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था ऐसा ही इसके साथ भी हुआ डिस्कनेक्शन अप्रोच जो कि ऑर्गेनिक का टॉपिक है इसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया बट यहाँ पे इसने जब दिया इसके तीन टॉपिक मतलब ऑर्गेनिक से थे फिर भी इससे क्वेश्चन मतलब ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से और स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे तो अगर हम यहाँ से देखें इसके कंक्लूजन मतलब यहाँ से वो जो मेरा इंटरव्यू था उससे कंक्लूजन निकाले तो ये निकल के आता है कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते ठीक है बट ये डिपेंड भी करता है तीनों कमेटी जो डिफरेंट डिफरेंट है वहां पे अलग अलग टीचर्स बैठे हैं मतलब अलग अलग बंदे अलग अलग साइंटिस्ट बैठे हुए हैं ठीक है इंटरव्यू लेने के लिए तो हो सकता है कोई आपसे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पूछ ले कोई ना भी पूछे जैसे इससे कैसे मुझे याद है उन्होंने लास्ट में पूछा कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है तो उसने बताया कि सर ऑर्गेनिक तो उन्होंने ऐसे रैंडमली बोल दिया अच्छा आपको फिशर इंडोल रिएक्शन तो आपने पढ़ी होगी तो बट ऐसे हो गया ना कि उसने मतलब ये सब प्रिपेयर नहीं करके गई थी तो उसको फिर लगा कि फिशर इंडोल उन्होंने कहा रिएक्शन लिख दो मैकेनिज्म लिख दो तो एकदम से उसके माइंड में नहीं आया तो मतलब यहां से ऑर्गेनिक पूछी गई है बट देखो जैसे यहां से मेरी स्टूडेंट से कोई ऑर्गेनिक नहीं पूछी मेरे से स्पेसिफिकली कोई ऑर्गेनिक नहीं पूछी गई थी मैंने कहा था नेम रिएक्शन लास्ट में मुझे रिग्रेट हुआ कि मैंने ऐसा टॉपिक क्यों ले लिया मतलब मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी ले लेती थी ऐसा कुछ बट क्या हुआ इसी केस में ऑर्गेनिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया बता दू एनएमआर हाँ यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट हुआ कि एनएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है ठीक है उसके बाद उन्होंने पूछा कि जो स्प्लिटिंग होती है जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें लेते हैं अगर CH3 CH2 Cl ठीक है यहाँ पर जो ये तीन प्रोटॉन्स हैं इनका आएगा ट्रिपलेट और यहाँ पर इन दोनों का आएगा क्वार्टेट तो ये ऐसा क्यों हो रहा है स्प्लिटिंग क्यों हो रही है मतलब सिग्नल तो एक ही आएगा ठीक है सिग्नल तो एक ही आ रहा है अब क्या हो रहा है इसकी स्प्लिटिंग हो रही है क्वार्टेट आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है ऐसे पूछा उसके बाद उसको भी क्वेश्चन एक्जैक्टली याद नहीं है बट उसने मेरे को बताया कि थ्री टू फोर क्वेश्चन जो थे वो कपलिंग कॉन्स्टेंट से थे ठीक है जो जे होता है एक शायद ये था कि हार्ट्स में इसकी वैल्यू जो होती है मतलब वो क्या होती है इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंट होती है ठीक है हाँ एक और बात मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज भी स्टार्ट की मैं दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो मैं क्या करती हूँ जब वीडियोस में बना रही होती हूँ स्पेसिफिकली तो मेरा मोटिव ये होता है कि जो CSIR नेट गेट और जो बार का इंटरव्यू में मतलब अपियर करने वाले तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जब भी मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो मैं ऐसे टॉपिक ज्यादा लेती हूँ जो क्वेश्चन मतलब पूछ जाते हैं तो नेट और गेट में मतलब हायर लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं इनमें पूछे जाते हैं या फिर इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो क्या है मैंने दो वीडियोस अपलोड करी आप चाहो तो देख सकते हो ये सब मैंने कवर करवाया है उसमें ठीक है उसके बाद ये क्वेश्चन आया था और फिर कपलिंग कॉन्स्टेंट से तीन चार क्वेश्चन पूछे हुए थे सो क्वेश्चन तो याद नहीं थे बट हाँ एक था एक क्वेश्चन उसने मेरे को बोला एग्जैक्टली तो नहीं पता बट जो कार्टलेस इक्वेशन होती है एक कार्टलेस इक्वेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं जे की वैल्यू भी निकालते हैं जे क्या है कपलिंग कॉन्स्टेंट इसमें क्या होता है इस तरह का कुछ कर्व आता है तो उन्होंने इसलिए क्या करा था ऐसा वाला कर्व बनवाया था यहाँ पे जी की वैल्यू होती है हार्ट्स में और यहाँ पे क्या होता है थीटा एंगल तो यहाँ पे क्या होती है इक्वेशन एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है आई गेस एट जे की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से 8.5 cos स्क्वायर थीटा -0.28 एक ऐसी इक्वेशन होती है कब के लिए वैलिड होते हैं 0 to 90 डिग्री के लिए
टी और ई को ऐसी वैल्यू होती है, उसमें शायद यहाँ पर एक दूसरे वाली इक्वेशन होती है, उसमें शायद यहाँ पर 9.5 होता है, आई एम नॉट श्योर, आप एक बार चेक कर लेना। इस तरह की कोई इक्वेशन होती है -2.8 ऐसे, तो जो ये वाली वैल्यू है 92/180 के लिए है। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ रहे कि अगर सपोज यहाँ पे जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जे की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से उससे क्वेश्चन आया था इस वाली इक्वेशन से। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से, हाँ उसने डेरिवेशन करवाई थी, उन्होंने क्या किया उसको रिएक्शन दी, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन दी थी, जैसे सपोज ए इज इन इक्विलिब्रियम बी इज इन इक्विलिब्रियम विद बी। ठीक है, तो उन्होंने बोला सपोज का जो फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब एक ये गिवन है K2 है, तो उन्होंने बोला कि जो हम के इक्विलिब्रियम लिखते हैं वो हम लिख देते हैं K1 by K2। ठीक है, तो इसको आप डिराइव करके दिखाओ ये आया कहां से। ठीक है, तो ये वाली डेरिवेशन पूछी थी, ये तो मैं जैसे आपको बता देती हूँ क्या होगा। K1 इक्विलिब्रियम है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, K2 by AB स्क्वायर से कर देंगे, तो यहां से K1 by K2 यहां से क्या आएगा B by A, और B by A क्या होता है K इक्विलिब्रियम, तो यहां से आ गई डेरिवेशन, उसे ही छोटी सी डेरिवेशन डिराइव करवाई थी। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स से फिलहाल उसको इतने ही आते क्वेश्चन, बाकी डिस्कनेक्शन अप्रोच से कोई क्वेश्चन आया नहीं, और कोऑर्डिनेशन से, हाँ कोऑर्डिनेशन के साथ वैसे उसका अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने उससे पूछा कि लेबोर्डी रूल आपको पता है, तो उसने बोला कि हाँ सर पता है कि जो डेल्टा एल की वैल्यू होती है दैट शुड बी +-1 अगर ट्रांजिशन होना होता है तो। ठीक है, ये होता है लेबोर्डी रूल। अब उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला कि आपको पता है ये इक्वेशन, मतलब जो आप लिख रहे हो ∆L = +-1, ये कहां से, जो सिलेक्शन रूल ये है ये कहां से आया है। तो उसने बोला कि हाँ सर क्वांटम से आया है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो क्वांटम में जो डेरिवेशन है जिसका रिजल्ट ये है, आप वो डेरिवेशन यहाँ पे कर सकते हो, तो वो एकदम ब्लैंक, भाई कोई भी ब्लैंक हो जाएगा, मतलब वो डेरिवेशन उन्होंने पूछी क्वांटम की जो कि इसका टॉपिक भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला उसको आंसर नहीं आता था। ठीक है, और मुझे तो ऐसा लगता है ये वाला क्वेश्चन अगर किसी से ही पूछा जाएगा, मतलब जो ऐसे टॉपिक करके गया उसे क्वांटम पे ऐसे पूछेंगे डेरिवेशन कर दो आप, तो वो नहीं हो पाएगी उस टाइम। ठीक है, उसका उन्होंने ये वाला टॉपिक छोड़ दिया, फिर आगे ग्रुप थ्योरी पे, इसका भी जो इंटरव्यू था वो क्या था 50 मिनट चला था। ठीक है, नेक्स्ट भी था ग्रुप थ्योरी, हाँ यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि वो क्या करेंगे, आपको एक ना A4 साइज शीट दे देंगे, पेंसिल दे देंगे, इरेजर दे देंगे। तो उन्होंने क्या किया था, नॉन डस्ट वाली इरेजर थी, तो उन्होंने कहा इरेजर का ना पॉइंट ग्रुप बता दो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जैसे इरेजर जो होती है वो काइंड ऑफ क्यूबॉइड टाइप होती है इस तरह की। ठीक है, इस तरह की कुछ इरेजर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सेंटर से ये एक C4 होगी, यहाँ पे C4 C2 होंगे और 4σv भी होंगे और एक σh भी होगा, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा D4H। तो ये वाला पॉइंट ग्रुप हमने इससे निकलवाया था कि जो आपके पास हाथ में नॉन डस्ट इरेजर है उसका आप निकाल दो पॉइंट ग्रुप, ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद वो चले गए थे क्लासेस पे और ग्रुप्स पे, फिर जो कैरेक्टर टेबल होती है उस हिसाब से ऊपर क्या होते हैं क्लासेस लिखी होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि क्लासेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किसी कैरेक्टर टेबल में क्लासेस कौन सी हैं, और फिर क्लासेस के बाद ग्रुपिंग कैसे करते हैं। जैसे हमने देखा होगा कई बार जब कई जो होते हैं पॉइंट ग्रुप्स, उनमें क्या होता है जो σv जो होते हैं, जैसे सपोज मैं जैसे लिख रही हूं अमोनिया जैसे। ठीक है, यहाँ पे σv है, मतलब 3σv होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कई केसेस में क्या होता है इन तीनों को हम डिफरेंट डिफरेंट लिखते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स के केस में कुछ को क्या करते हैं एक ही क्लास में इंक्लूड कर देते हैं। तो उन्होंने पूछा था ये कब हम कैसे करते हैं, कोई एग्जांपल से बता दो वो क्लासेस में से, मतलब कैसे करते हैं कि इन तीनों को हमने एक क्लास में मान लिया, कई बार इनको अलग अलग कर देते हैं, तो ये कैसे होता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन था कि हाँ जो कैरेक्टर टेबल होती है, आई डोंट नो उसको गिवन थी या उसे डिराइव करवाई थी क्या थी, बट उन्होंने पूछा था कि जो एक्साइटेशन होती है जैसे हम ट्रांजिशन करवाते हैं तो वो कैसे पॉसिबल है, वो हम किस तरह से निकालते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कैरेक्टर टेबल में क्या होता है, जो लास्ट वाला जो कॉलम होता है जिसमें हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन जो इसमें गिवन होते हैं x² या फिर xy से दिया होता है, तो उन्होंने उससे हम देखते हैं कि जो अगर यहां से हम ए से बी में ट्रांजिशन करवाएं, तो या फिर जैसे सपोज A1G से जैसे सपोज यहां पर ट्रांजिशन करवाना है, तो हम क्या करते हैं लास्ट वाला कॉलम चेक करते हैं यहाँ पर, अगर जैसे कुछ मल्टीप्लाई करके देखते हैं इन दोनों को, तो इस तरह की मतलब पूरी डेरिवेशन से कुछ करवाई थी, पूछा था कि कौन सा ट्रांजिशन मतलब हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती, तो ये क्वेश्चन आया था। तो फिलहाल इसको इतने ही क्वेश्चन आते थे जो उससे पूछे गए थे। बाकी जो मेरे फ्रेंड था इसने क्या लिखे थे, ऑर्गेनोमेटालिक्स इक्विलिब्रियम केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन मैकेनिज्म ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो इसका मैं आपको बताती हूँ किस तरह का गया था इंटरव्यू। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई ऑर्गेनोमेटालिक्स से। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया, हाँ CO
कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका एमओटी डायग्राम ड्रॉ कर दो। पहला क्वेश्चन इसका एमओटी डायग्राम बनाओ, ठीक है, बना दिया उसने। उसके बाद क्या हुआ, एमओटी डायग्राम से बड़े सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, मतलब बॉन्डिंग कैरेक्टर जो होता है ज्यादा होता है, ऊपर वाले जो होते हैं उसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पूछी, जैसे हमें पता है कि उसकी वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, 2143 होती है, ठीक है, इतनी वैल्यू है इसकी। तो इसी तरह से कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन पूछे होंगे, उसको एक्जैक्टली याद नहीं था, बट आई थिंक ऐसे ही कुछ पूछोगे कि सपोज मेटल, जैसे हम कहते हैं ना मेटल मेटल बैक बॉन्डिंग करवाते हैं, जैसे मेटल बैक बॉन्डिंग करवाते हैं, तो सारे केस में क्या होता है, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। तो आई गेस इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछोगे, बट ये था, उसने मुझे बताया कि इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे और एमओ डायग्राम से क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे, ठीक है। ये सब तो ऑर्गेनोफ्टेरिसिस से इसी के बारे में पूछा था। उसके बाद इक्विलिब्रियम में, हाँ, अब इक्विलिब्रियम में क्या था, सबसे ज्यादा फोकस किया था आयनिक इक्विलिब्रियम पे। वहां पे उन्होंने क्या पूछा, एक तो जैसे सीएच3, एक तो बफर, हाँ, बफर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे कि बफर होता क्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड डेरिवेशन भी डिराइव करवाई थी। और उसके बाद पूछा था कि सपोज अगर सीएच3, मतलब ऐसे दिया था कि CH3CO है, तो उसमें एनएच डाल दिया, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच आपको निकालना है, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन जो मुझसे भी पूछा था, जो सिमिलर क्वेश्चन था, कि अगर आपको एसिडिक एसिड दे दी जाए, उसका अल्फा आपको बता दें और आपको K की वैल्यू दे दे, तो आपको बताना है कि जो H प्लस होगा उसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी, तो हम किसे निकालेंगे, ऑस्मोल डाइल्यूशन लो से, ठीक है, वहां से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से थे, काइनेटिक्स से कुछ ग्राफ के ही क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, ग्राफ से स्टार्ट किया उन्होंने। उसके बाद क्या किया, एक नॉर्मल ग्राफ बनवाया, ग्राफ क्या था एक्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ ये था कि जो ग्राफ बनवाया था वहां से वो पूछ गई ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट पे। तो उससे पूछा गया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट में और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है। तो उसने कुछ इस तरह से बताया था कि जो इंटरमीडिएट होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, बट ट्रांजिशन स्टेट को नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो बहुत बेसिक है और थोड़ा बताओ इसके बारे में। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन हुआ था। उसके बाद क्या था, यहाँ से फिर उन्होंने क्या किया, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट पे आए, फिर क्या किया, यहाँ पे पूछ गए रिएक्शन मैकेनिज्म, यहाँ फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो SN1 होता है, SN1 मैकेनिज्म और SN2, इन दोनों के ग्राफ बना दो, एनर्जी प्रोफाइल पूछी थी किस तरह की होती है, इंटरमीडिएट किस तरह से लोकेट करोगे आप, मतलब किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस डायग्राम से बनवाए थे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे इसमें से, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट पे। उसके बाद ग्रुप थ्योरी में था, ग्रुप थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे। उसने मेरे को बताया कि कुछ ना 3-4 पॉइंट ग्रुप निकलवाए थे, बस पॉइंट ग्रुप निकालने के बाद बस हो गया था। और लास्ट में कुछ था, हाँ लास्ट में फिर एक मैम थी, उन्होंने क्या कहा, अच्छा तुम्हारा स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक है तो तुम एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन था, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। हाँ मैम ने बोला चलो ये रिएक्शन बता दो, तो उसको ऑलरेडी पता था यहाँ पे प्रीलिम बनने वाले, तो उसने बिना मैकेनिज्म कुछ करे डायरेक्ट लगा दिया ये यहाँ पे, यहाँ पे सीएल, हाँ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरह से इंटरव्यू हुआ। अब ये कुछ थे मतलब जो मेमोरी बेस्ड जितना को याद आए क्वेश्चंस, तो उन्होंने बता दिए, वही मैंने आपके साथ शेयर किया, या वो काफी हेल्पफुल रह सकता है, कुछ कंक्लूजन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट जो मैंने कंक्लूजन निकाला था ये सबसे बात करके, और लास्ट ईयर ही कर चुकी हूँ मैं सारे काम, मतलब मेरे को अच्छा लगता है एनालिसिस करना और फिर निकालना कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, कहाँ पे कुछ कमी रह रही है, किस सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। तो अब क्या था, जैसे मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ से देखती हूँ जो मेरा फ्रेंड है ये और जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि ऑर्गेनिक के जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जैसे यहाँ पे डिस्कनेक्शन अप्रोच से कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर ये भी हो सकता है कि डिस्कनेक्शन अप्रोच में क्या हो रहा है, ज्यादा हम रिएक्शंस मतलब क्या करते हैं, बेसिकली रिएक्शंस को मतलब ब्रेक ब्रेक करके देखते हैं कि ये वाली रिएक्शन है, रिएक्टेंट क्या क्या ले सकते हैं, तो शायद इनको इन चीजों से मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्या है ज्यादातर फिजिकली क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। और मैंने भी लिखा था नेम्ड रिएक्शंस, तो उससे भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है सब में, ये सब कुछ काम ही नहीं आने वाला आगे हमें अगर हम BRC में अपॉइंट होते हैं, ठीक है, ऐसा हुआ। बट यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो मेरी फ्रेंड थी ऐसा स्टीरियो केमिस्ट्री लिखा था और साथ में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाँ ये वाला टॉपिक तो पक्का, इसमें तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, तो ये तो फॉर श्योर, अगर आप चूज करें तो क्वेश्चन आएंगे, बट यहाँ पे क्या हुआ स्टीरियो से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ SN1 और SN2 पूछा गया, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। बाकी हाँ एक बात फॉर श्योर है, फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, अगर आपको 5 टॉपिक लिखने को बोल रहे हैं आई वुड से आप 3 टॉपिक फिजिकल के ही डिसाइड करो, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते ही फिजिकल से हैं, ठीक है। आपको ऐसा रियलाइज भी होगा, आप देखोगे कि आपने जो ऑर्गेनिक का टॉपिक लिखा है, आई डोंट नो अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी लिख रहे हो, तो जैसे मैंने यहां से देखा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी इसे नहीं पूछते हैं ऐसा, मतलब मैंने एक दो फ्रेंड से वो भी पूछा था, उनको ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं है, बट उनका रिप्लाई ना यही था यार ऑर्गेनिक से तो कुछ पूछा ही नहीं, और हम लोग सारे ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन वाले थे, तो मैं ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ फिजिकल फिजिकल वाला पूछे जा रहे हैं, मतलब इस तरह से कुछ पूरा है।
और बस अभी के लिए इतना ही मैं पूछ पाई हूँ। आई गेस आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि क्या होने वाला है आपके साथ इंटरव्यू में, ठीक है। तो टिप्स के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि आपको जो जो चैप्टर अच्छे से आता है, एकदम अच्छे से आता है, कोई बात नहीं, चैप्टर कैसा भी हो जाए, ट्वेल्थ लेवल का हो चाहे एमएससी बीएससी लेवल का हो, कैसा भी चलेगा, बट फिजिकल पे आप फोकस करो, अच्छे से पढ़ो फिजिकल, ठीक है। तो क्योंकि फिजिकल से क्वेश्चन तो 101% आने वाले। अब एक और बात, अब हम तीनों के साथ क्या हुआ था, इन तीनों के साथ और मेरे साथ भी पर्सनली क्या हुआ था कि जो हमने टॉपिक जिसके सीक्वेंस में लिखे थे उसी सीक्वेंस में हमसे पूछे गए थे। सबसे पहले यहाँ पे ओरियाना मेटालिक्स लिखा, सबसे पहले क्वेश्चन भी यहीं से आया। मैंने सबसे पहले लिखा था केमिकल काइनेटिक्स, तो सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया, ऐसे सीक्वेंस वाइज आए थे। बट इस समय तो ऐसा हो सकता है कि जो आपको अच्छे से टॉपिक आता है, सबसे अच्छे से टॉपिक जो आते हैं, आप कंफर्टेबल हो एकदम, बहुत कॉन्फिडेंट हो, उसको सबसे ऊपर लिखो, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि वो स्टार सबसे ऊपर वाले टॉपिक से ही करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे करो कि जो सबसे अच्छे से आता है। बट क्या हुआ था, एक मेरी फ्रेंड थी, मतलब मेरी सीनियर थी कोई, मतलब सिर्फ मैंने सुना था ऐसा कि उन्होंने बोला कि आप 5 टॉपिक्स लिख दो, ठीक है। जैसे कि आपके 5 टॉपिक्स सपोज यहाँ पे लिखे, अब उन्होंने क्या किया, लास्ट से पूछना स्टार्ट कर दिया। अब उसने लिखी थी सीक्वेंस में सबसे अच्छे से आता है सबसे ऊपर, जो सबसे कम अच्छे से आता है सबसे लास्ट में लिखा था, उससे क्वेश्चन उन्होंने बैक साइड से पूछना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो आप खुद से डिसाइड करो आपके साथ कैसे होगा, पता नहीं, मतलब हाँ मैक्सिमम ये था कि जो सबसे ऊपर लिखा था उसी से वो स्टार्ट कर रहे थे। बट एक केस मैंने ऐसा सुना है जिसने सबसे नीचे से स्टार्ट कर दिया था। तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो इस वाले केस में, ए टॉपिक जो अच्छे से आता है उसको सबसे ऊपर लिखो, ए जो कम मतलब सबसे अच्छे से आता है सेकंड नंबर पर उसको नीचे लिख दो, क्या पता जहां से भी वो स्टार्ट करे ताकि ऐसे फंसो ना, ऐसा ना होता है कि सबसे अच्छा वाला ऊपर है और सबसे मतलब ऐसे लास्ट वाला टॉपिक ऐसा ना हो कि बिल्कुल वीकनेस वाला पॉइंट दिख जाए आपका, ठीक है। देखो ये वाली बात तो पक्की है, वो इतने सारे सिलेबस में सिर्फ 5 चैप्टर आपसे पूछ रहे हैं, तो उसमें से वो चाहते हैं कि आपको सब कुछ पता हो, ठीक है। तो आप ध्यान करो, कंसेप्ट्स पे मतलब अच्छे से फोकस करना है। अभी मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ, मुझे भी सिर्फ एक ही बार मैंने इंटरव्यू के लिए अपेयर हुई हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरी एमएससी ही लास्ट ईयर कंप्लीट हुई है, तो ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है। बट हाँ, जैसे इन तीनों से मैंने बात करी और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उससे यही सिर्फ है कि फिजिकल पे फोकस करना है हमें और कंसेप्ट्स पे स्पेशली बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी रिजल्ट आया वो कहाँ से आया है, तो क्योंकि देखो यहाँ पे भी ना डेरिवेशन पूछी गई है, मुझसे भी डेरिवेशन पूछी थी, जैसे वो हेंडरसन कौन सी इक्वेशन होती है जो बफर वाली इक्वेशन होती है, उससे इक्वेशन मुझसे मतलब उससे डेरिवेशन मुझसे पूछी थी, ठीक है। तो डेरिवेशन भी जो छोटी छोटी डेरिवेशन होती है उस पर आपको ध्यान देना है, क्या पता आपसे पूछ लें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही मैं कर पाई, मतलब इतने ही फ्रेंड से कॉन्टेक्ट हो पाया मेरा। तो अब एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ है वीडियो में जानने के लिए, आपको कुछ नया पता चला है, तो प्लीज इसको शेयर करो। मैंने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे मोटिवेशन तो चाहिए वीडियोज बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं बिल्कुल भी स्टार्ट कर रही हूँ और जैसे ऑब्वियसली बात है सबको मोटिवेशन चाहिए होते हैं, तो प्लीज अपना पॉजिटिव फीडबैक मुझे प्लीज देना, कमेंट्स में बताना मुझे आपको वीडियो कैसी लगी और प्लीज इसको शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इंटरव्यू। अभी तो एग्जाम है, हाँ एक और बात, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, 10 मार्च को पेपर है केमिस्ट्री वालों का, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू गुड।